हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे ये गाउन। और ये एक्सेल साइज का गाउन है जो मैंने अपनी मम्मा के लिए बनाया है। और इस गाउन का फ्लेयर भी नॉर्मल है और इस गाउन का साइज स्क्रीन पे है। लेट्स मेक दिस। इसके लिए मैंने लिया है 5 मीटर फैब्रिक। अपर पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है, ये डबल लेयर में है। लेंथ वाइज 16 इंच है, 15 इंच रेडी प्लस 1 इंच फॉर स्टिचिंग। और विड्थ वाइज 24 इंच है, 21 रेडी और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। देन इसे फोल्ड कर लेना है। शोल्डर के लिए 8 इंच पे मार्क करना है। एंड आर्म होल डेप्थ भी 8 इंच है। एंड देन ऐसे बॉक्स बना लेना है। देन 1.5 इंच का राउंड दे देना है आर्म होल पे। 0.5 इंच का यहाँ पे स्लोप दे देना है और लेंथ वाइज 1 इंच का स्लोप दे देना है। नेक लाइन की विड्थ है 3.5 इंच और नेक लाइन की डेप्थ है 4.5 इंच। एंड देन ऐसे नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। एंड देन कट कर लेना है मार्किंग पे। ये कट हो चुका है। अब एक लेयर को हटा देनी है और ये सिंगल लेयर ले लेंगे हम। एंड देन नेक लाइन जो ड्रॉ की थी उसे कट कर लेना है। और ये बैक पार्ट है और जो लेयर रिमूव की थी अब उसे ले लेना है। और 0.75 इंच आर्म होल पे एक्स्ट्रा कट कर देना है। और नेक लाइन की विड्थ है 3.5 इंच और डेप्थ है 7 इंच। एंड देन ऐसे वी में नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड देन कट कर देना है मार्किंग पे। और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। ये फ्रंट पार्ट है, इसके लिए एक 10 इंच लेंथ का ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। सेम आर्म होल और सेम नेक लाइन, देन स्टिच ऑन द नेक लाइन। सेम लाइक दिस बैक पार्ट के लिए भी मैंने फैब्रिक कट कर लिया है लेंथ वाइज 7.5 इंच। एंड सेम आर्म होल और नेक लाइन पे स्टिच कर देना है। ये नेक लाइन पे स्टिचिंग हो चुकी है और यहाँ भी फोल्ड होके स्टिच हो चुका है। एंड देन नेक लाइन पे स्मॉल कट्स लगा देने हैं और फ्रंट में भी मिड में स्मॉल कट लगा देना है। एंड देन इस फैब्रिक को ऐसे करके और इस पे स्टिचिंग कर देनी है। ये स्टिचिंग हो चुकी है। और ये फ्रंट नेक लाइन रेडी है, ऐसे ही बैक नेक लाइन भी रेडी हो चुकी है। और अब शोल्डर्स स्टिच कर देने हैं, ऐसे रख लीजिए। एंड देन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे फ्रंट की तरफ ले आना है। एंड देन यहाँ स्टिच कर देना है, इस साइड भी सेम यहाँ स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं। ये देखिए, ये इनविजिबल शोल्डर है, इनमें स्टिचिंग ओपन नहीं रहती है। और अब यहाँ मिड पॉइंट से 4 इंच पे मार्क करना है दोनों साइड। एंड लेंथ वाइज 5 इंच पे मार्क करना है। और इस मार्किंग पे एक डार्ट स्टिच कर देनी है, ऐसे एक स्मॉल डार्ट स्टिच कर देनी है। सेम लाइक फ्रंट पार्ट पे भी ये डार्ट स्टिच हो चुकी है
फ्रंट पार्ट पे भी और बैक पार्ट पे भी। और अब स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले लिया है 4 लेयर्स में। लेंथ वाइज है 11 इंच और विड्थ वाइज है 15 इंच। एंड देन यहाँ 9.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो 5.5 इंच का फैब्रिक बचा है ये हमने प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा लिया है। देन इस लाइन से 4.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ 3.5 इंच पे। देन ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और स्लीव्स का कर्व बना लेना है। 1 इंच का बॉटम पे स्लोप दे देना है एंड देन मार्किंग पे कट कर लेना है। यहाँ 1 इंच पे मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन 2 लेयर्स को मार्किंग पे कट कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। और ये मिड में मार्क लगा लेना है। और अब स्लीव्स को स्टिच कर देना है ऐसे मिड पॉइंट ज्वाइन करते हुए, और मिड में प्लीट्स डालते हुए स्टिच कर देनी है स्लीव्स को। स्मॉल प्लीट्स डालते हुए इस साइड भी ऐसे स्टिच कर देंगे और दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर देना है। और जो स्लीव्स की बॉटम है उसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। ये स्लीव स्टिच हो चुकी है। और स्लीव्स की बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। देन यहाँ 1 इंच पे मार्क कर लेना है एंड एक 0.5 इंच वाला इलास्टिक ले लेना है। लेंथ वाइज 14 इंच लिया है मैंने। देन जो 1 इंच पे लाइन मार्क की थी उस पे इस इलास्टिक को स्टिच कर देना है। आफ्टर स्टिचिंग इलास्टिक ऑन स्लीव्स, ये देखिए स्लीव्स रेडी है। इस साइड भी स्लीव्स रेडी है। और अब अपर पार्ट की साइड्स को स्टिच कर देंगे। ऐसे साइड स्टिच कर देनी है। ये साइड स्टिच हो चुकी है। वेस्ट है 38 इंच और चेस्ट पे है ये 42 इंच। और अब फ्रिल कट करते हैं। ये मैंने फ्रिल के लिए फैब्रिक कट कर लिया है जो कि डबल लेयर में है। लेंथ वाइज मैं 14.5 इंच ले रही हूँ। 13.5 इंच रेडी और 1 इंच फॉर स्टिचिंग। और ऐसे ही मैंने दूसरा भी कट कर लिया है फैब्रिक एंड देन उनके एंड्स जो हैं उन्हें स्टिच कर देने हैं। ये फर्स्ट फ्रिल रेडी है। विड्थ वाइज 34 इंच ली है मैंने डबल लेयर में, और सिंगल लेयर में ये 68 इंच है। एंड देन अब इसे ऐसे स्टिच कर देना है स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए। ये फर्स्ट फ्रिल स्टिच हो चुकी है और ये मैंने सेकंड फ्रिल भी कट कर ली है जो कि लेंथ वाइज है 14.5 इंच और विड्थ वाइज है 60 इंच डबल लेयर में। और अगर इसे सिंगल लेयर में ले तो ये 120 इंच होगी। और अब सेकंड फ्रिल को भी स्टिच कर देना है स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए, ऐसे साइड्स ज्वाइन करते हुए। ये सेकंड फ्रिल भी स्टिच हो चुकी है। और अब मैंने ये थर्ड फ्रिल कट कर ली है जिसकी लेंथ है 15 इंच, 13.5 इंच रेडी और 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए और 1 इंच बॉटम की फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए। और ये विड्थ वाइज है 82 इंच इन डबल लेयर, और सिंगल लेयर में ये 164 इंच है। और अब इसे स्टिच कर देना है स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए एंड देन बॉटम को भी फोल्ड करके और स्टिच कर देना है।
एंड फाइनल लुक ऑफ ड्रेस। एंड गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये ड्रेस कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।